और खासतौर से हमारे वो मोहम्मद अख्तर आरबी साहब जिन्होंने ये कारवान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाने संवारने में बहुत सारे पैनल द्वारा अपनी लगाने में बताया कि वो गाड़ी का भी उन्होंने इंतजाम किया, बाकी सारे मामला के बिल्कुल सौंपी ठीक रहे और जाहिर है कि ये सब की लड़की मोहब्बत भी उन्होंने किया। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। सब हजार के लिए दुआ करें। हमारे हाथों से आप इस कारण अबरी अपराधी से हमारे इन्होंने कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा ने इस तक पहुँच गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जिंदा खैर अता फरमाए और ये ऐसा अमल है जो कभी भी ज़ाया होने वाला नहीं है। और मेरे मिजाज में ये बात है कि जो आदमी जो खिदमत करता है मैं उस दोस्त में खिदमत के नहीं चला और मैं बयान करता हूँ कि मैं किस शख्स ने खिदमत की मेरे मिजाज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो हाजिर साहब हमेशा से करते चले आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिंदा खैर अता फरमाए और नदर को कबूल मंजूर फरमाए। और जितने लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं जाहिर है कोई भी इस मामले में खैर की तजा से महरूम नहीं है। ये दो तस्वूर के तुमने इस बारे में ज़रा से भी खैर की हो तो महरूम नहीं जाओ ये रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद न होगी क्योंकि ये सभी के पास मुहम्मत की इश्क और मोहब्बत का मामला है। बहरहाल मैं आप सब लोगों की दुआ करता हूँ रात में भी आप हमारे साथ थे और उसके बाद फिर हम दराज गए भी दिल से करते रहे और बाहर सुबह भी हम फिर आपके साथ शामिल हो गए। आप लोगों ने भी हमारे साथ शामिल हुए और बहुत सारे हमारे साथी कोई कहने लगे कि हम तो बस सुबह सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद ही छोड़ दी। अल्लाह जामिया इस्लामिया रबी वालों को बहुत सारे साजी ने साथी में सजाया। अल्लाह तला उनसे मकर फरमाए और हमारे नफर सैदी साहब को रहमत फरमाए जिन्होंने कि इस काम में आगे बढ़ कर के सारा मामला किया। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी जमा में रखे और हमारे जितने साथी और जिसमें हमारे साथ शामिल रहे तरीक कदम चरा अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। रब के बारे में दुआ करते हैं या अल्लाह इश्क मुस्तफ़ा जो हमारा जिश्क मुस्तफ़ा कबूल फरमा लें और जो कमी रह गई हो तो उसे माफ़ फरमा दें और ए मेरे परवरदिगार तो इश्क मुस्तफ़ा में हमें कामिल कर दें और या अल्लाह तो हमें हुज़ूर अलैहि सलाम की मोहब्बत हमारी अपनी जानों और हमारी औलाद हमारे माल से ज़्यादा अता फरमा दें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिकु सल्लम सय्यिदी अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे या अल्लाह जो मुसीबत अदगान है उनकी जो मुसीबत को रफा फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार हम सब को तो अपनी अमानत का फरमा अपने अपनी मस्ती नसीब फरमा या अल्लाह जाम इस्लामी अरबी अनवालों को बहुत तरक्की का फरमा और उनके असाध्य ने जिस तरह मिल के ये सारा काम किया। ऐ मेरे परवरदिगार तू नसाद कराम को तुझे खैर अता फरमा और ऐ मेरे परवरदिगार हमारे तलबा की खैर फरमा हमारी आवाम की खैर फरमा हमारे भाइयों की खैर फरमा जिनके वालदेन की खैर फरमा जिनके खाली की खैर फरमा जिनके आल औलाद की खैर फरमा या अल्लाह हमारे तमाम बरकत को अपनी हिफाज़त में महफूज़ महमूद फरमा या अल्लाह हमारे सीनों को तू या अल्लाह तो हमारे सीनों को तू मदीना बना दें और हमारे शाहिदगा के तलबा को या अल्लाह तुम जुदा खैर अता फरमा। इन बच्चों ने बहुत बहुत बढ़ के खिदमत की है अल्लाह तआला खुश रखे और हमारे अभी दिवाली वाले भी हैं उन्होंने भी दुख फैदा सभी के लिए अल्लाह तआला उनको भी जुदा खैर अता फरमाए और अल्लाह तआला उनकी शरारत को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह तआला सब कुछ फरमाए या अल्लाह यहाँ से कोई भी खाली न जाए मुर्शिद करीम का आस्ताना है या अल्लाह ये हमारे मुर्शिद हैं इन्होंने हमें हिदायत की राह दिखाई है। ये मेरे परवरदिगार
ये तेरे तेरे मुकद्दस बंदे थे, मैंने अपना वजीर कुर्ब और अपने हबीब कुर्ब अता फरमा, और या अल्लाह तो हमें इनके सही माने में होना में उनके नक्शे का नंबर चलने की तौफीक अता फरमा, और हम सब पर करम फरमा। या अल्लाह यहाँ से कोई भी खाली ना जाए, या अल्लाह यहाँ से कोई भी खाली ना जाए। या अल्लाह हुजूर का इश्क अता फरमा दे, हुजूर की मोहब्बत वो अता फरमा कि हम अपनी जान अपनी औलाद से मार से ज्यादा आफत से हमेशा मोहब्बत रखते हैं। आमीन आमीन आमीन। हमारे तो पूछते थे साहब, पहले भी माशाल्लाह इन्होंने भी पहले तो दूध पिताना था।